ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, लेकिन वहाँ तूफान भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर अड़ी होती हैं। दोस्तों ये लाइनें कुछ इस प्रकार की हैं कि कोई भी इंस्पायर हो जाए। और जहाँ तक जीत की बात आती है तो मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी के लोग उसमें सबसे अव्वल आते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह की है, इंडियन आर्मी के ज़बरदस्त ऑफिसर की कहानी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़वाल इंटरव्यू में, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दगड़ियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हमारे चैनल तक जरूर सब्सक्राइब किया और हाँ, घंटली बजाना ना भूलिया। जैसे कई जवानों को तैयार कर रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी में रहते हुए कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुके हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले इंडियन आर्मी की टीम का हिस्सा भी रहे थे। 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई तो पहाड़ी इलाकों में इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए। आज इनके विजन में उत्तराखंड का यूथ अपना फ्यूचर बदल रहा है। दरअसल बात यह है कि 2013 में जब कोठियाल सर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के प्रिंसिपल बनकर आए, तब एक इंसिडेंट इनके साथ हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। इनके पास कोई अपने बेटे को लेकर आया और कहने लगा, कर्नल साहब इनको भी सेना में भर्ती करवा दीजिए। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, कर्नल साहब को लगा कि ये कुछ जुगाड़ लगाने तो नहीं आया। इनके सामने वाले आदमी ने कहा कि सर मैं कोई जुगाड़ लगाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यह चाहता हूँ क्योंकि आपको इतना लंबा अनुभव है आर्मी का, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे और इससे इनका भविष्य बन जाए, इससे बेहतर क्या होगा। यह बात सुनकर कर्नल कोठियाल राजी हो गए और उस बच्चे को अपने घर पर ही रखा। कर्नल कोठियाल ने देखा कि धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उन्होंने कुछ और बच्चों को भी अपने साथ लिया और पहला बैच 2013 में लगभग 32 कैंडिडेट को ट्रेंड किया और देखते ही देखते पहले साल में 32 में से 28 बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। इस अचीवमेंट के बाद कर्नल कोठियाल को लगा कि इसे तो और आगे बढ़ाना चाहिए और देखते देखते तब का दिन और आज का दिन 8000 से ज़्यादा बच्चे कर्नल कोठियाल के अंडर ट्रेनिंग लेकर फौज में, पैरामिलिट्री में और उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब 2015 में कर्नल कोठियाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया यूथ फाउंडेशन कर्नल कोठियाल की देखरेख में 10 से ज़्यादा कैंप उत्तराखंड में चला रहे हैं, जहां 1400 से ज़्यादा कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। कमाल की बात यह है कि आज कर्नल कोठियाल जहां भी जाते हैं लोगों से उन्हें बड़ा प्यार मिलता है और वे बड़े मजाकिया तौर पर कहते हैं कि लोग मुझे रिश्वत देते हैं। कोई बोलता है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा फौज में भर्ती हुआ है तो मैं आपको घी का डब्बा दूंगा, कोई कहता है हमारे घर में फल लगे हैं मैं आपको फल दूंगा। और मजाक मजाक में ऑफिसर कर्नल कोठियाल लोगों से कहते हैं, आप भी ज़िंदगी कुछ ऐसा काम करो कि आपको भी कुछ इस तरह की रिश्वत लेने का मौका मिले। इसलिए अफसर लोग इनसे कहते हैं कि आपसे अच्छे लीडर वाली सारी क्वालिटी हैं तो क्यों नहीं आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते। इस पर कर्नल कोठियाल मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मेरे पास समय बहुत कम है और उत्तराखंड के लिए काम बहुत सारा करना है, इसके लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अगर मौका मिला तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करूँगा। कर्नल कोठियाल द्वारा किए गए इन सभी कार्यों की हम सराहना करते हैं और सैल्यूट भी करते हैं। कर्नल कोठियाल के सोसाइटी में किए गए इन कंट्रीब्यूशन के लिए दिल से सिर्फ दो लाइनें निकलती हैं कि ऐ मेरे पाँव के छालो जरा लहू उगलो, सिर फिरे मुझसे कहीं सफ़र के निशान मांग ले। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच कर उन्हें इंस्पायर कर सकें और वो भी अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।